दूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर जब द्रौपदी को दाव पे लगा दिया और दुर्योधन दाव जीत लिया और दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को भरी सभा में लाने के लिए आदेश दे दिया। तब विश्व पितामह खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज भगवान के लिए इस दूत कीड़ा को यही समाप्त कीजिए। द्रौपदी कुरु राज घराने की लाज है, उसे दूत कीड़ा भवन में ना लाया जाए। तब दुर्योधन गुस्से से उठकर कहा, ये सब प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब मैं दाव जीत चुका हूँ। पितामह आप युधिष्ठिर को क्यों नहीं कहा जब वो द्रौपदी को दाव पे लगा रहा था, क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी कुरु राज घराने की लाज है, उसे दाव पे ना लगाए। लोग धर्म के परचम फहराते हैं और यहाँ दुर्योधन अधर्म का परचम फहरा रहे हैं। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो दुर्योधन को क्या कहना चाहेंगे? चलो आखिरकार दुर्योधन ने अपने प्रिय अनुज दुशासन को आदेश दे दिया कि द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए दूत क्रीड़ा भवन में लेके आए और दुशासन को भी देखिए अपने अधर्मी भ्राता को साथ देते हुए द्रौपदी के कक्ष में पहुंच गया। वे दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस भरी सभा में ले आया। दूत कीड़ा कितना खतरनाक होते हैं, जिसमें नारी के आत्मसम्मान आत्ममर्यादा को भी दाव पे लगाया जा सकता है। जैसे रामायण में बाली ने भी भाई की पत्नी को जबरदस्ती साथ में रखा था और उसका क्या असर हुआ आप सब जानते हैं। इसलिए रामायण और महाभारत वो आईना है जिसे हम देखकर सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत से प्रभावित हैं तो जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जरूर लिखें। से भी पुराना